सुप्रभात प्यारे बच्चों, सुप्रभात। कक्षा नौवीं में आपका स्वागत है। विषय हिंदी, उप विषय संस्कृत, प्रचारिका, शीर्षक परमहंस रामकृष्ण। देखिए ये परमहंस रामकृष्ण जो है, परमहंस रामकृष्ण जो है, रामकृष्ण यह जो है स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, परम सिद्ध महात्मा स्वामी रामकृष्ण के तपपूत व सिद्धि प्रदर्शन की से विमुक्त चरित्र का निरूपण किया गया है। सिद्धि साधना के लिए होती है, न कि प्रदर्शन के लिए। इनके मूर्तिमान स्वरूप परमहंस का मानना था कि जन कल्याण ही मानव का उत्कृष्ट धर्म है एवं सुखी लोगों की सेवा करना ही ईश्वर की परम उपासना है। वास्तव में यह रामकृष्ण परमहंस यह बंगाल की जो है अद्भुत विलक्षण अलौकिक संत थे। आइए इनके बारे में आपको परिचित कराते हैं। श्री रामकृष्ण एका विलक्षणा महापुरुषा अभवत। रामकृष्ण एक अलौकिक महापुरुष हुए। तस्य विषये महात्मा गांधिना उक्तम परमहंसस्य रामकृष्णस्य जीवन चरितम धर्माचरणम प्रायोगिकम विवरणम विद्यते। जो है परमहंस के रामकृष्ण का जीवन चरित, परमहंस रामकृष्ण के जीवन चरित्र जो है और उनके धर्म आचरण को व्यवहार में लाया हुआ जो है प्रायोगिकम विवरण विद्यते, वह व्यवहार में लाया हुआ विवरण विद्यमान है। तस्य जीवनम अश्वभ्यम ईश्वर दर्शनाय शक्तिम प्रददाति। इनका जीवन जो है वह अश्वभ्यम ऐसे ही ईश्वर दर्शन के लिए शक्तिम प्रदाति, इन्हें शक्ति प्राप्त थी। तस्य वचनानि न केवलम कस्यचिद् नीरसानि ज्ञान वचनानि अपितु तस्य जीवन ग्रंथस्य पृष्ठानि एव। देखिए इनके वचन न केवल कश्चित कदाचित नीरसानि जो है यही निर्शान ज्ञान वचनानि, इनके व मनोहर ज्ञान वचन जो हैं, अपितु अभी भी तस्य जीवन से ग्रंथ से उनके जीवन ग्रंथ में पृष्ठानि एव व स्वर्ण अक्षरों में अंकित हैं। तस्य जीवनम अहिंसाया मूर्तिमान पाठ विद्यते। इनके जीवन में अहिंसा का मूर्तिमान पाठ विद्यमान होता है। स्वामिना रामकृष्णस्य जन्म बंगेशु हुगली प्रदेशस्य कामार कुपूर स्थाने 1836 क्रिस्ताब्दे अभवत। देखिए स्वामिनः रामकृष्णस्य जन्म बंगेशु हुगली प्रदेशस्य
कुमार कुपूर स्थाने अष्ट अष्टादश अष्टादश षष्ठ त्रिंशति ख्रिस्टाब्दे अभवत। देखिए स्वामी रामकृष्ण का जन्म बंगाल के हुगली प्रदेश के कुमारकपुर स्थान पर हुआ था। कुमारकपुर स्थान में 1836 ईस्वी में हुआ। तस पितरौ परम धार्मिकौ अस्ताम, इनके पिता परम धार्मिक थे। बाल्यकाल देव रामकृष्ण अद्भुतम चरित्रम अर्ध्यस्त। बाल्यकाल में ही रामकृष्ण का अद्भुत चरित्र प्रदर्शित हुआ। तदानीमेव ईश्वरे तस्य सहजा निष्ठा जायत। ऐसे ही जो है स्वाभाविक ईश्वर की प्रति इनकी निष्ठा जागृत हुई। ईश्वर तदा निमेव ईश्वरे तस्य सहजा निष्ठा जायत। तब ऐसे ही ईश्वर इनकी सह निष्ठा स्वाभाविक निष्ठा जो है ईश्वर के प्रति जागृत हुई। ईश्वरस्य आराधना वशरे सहजौ समाधौ अतिष्ठत। ईश्वर के आराधना के समय वह सहज समाधि में बैठ जाते थे। परम सिद्धोपि सह सिद्धिनाम प्रदर्शनम नोचितम अमन्यत। जो है वह परम सिद्धि को परम सिद्धोपि और परम सिद्धि को भी सिद्धि नाम वह अपने सिद्धियों को प्रदर्शनम नोचितम अमन्यत। वह उसका प्रदर्शन अनुचित मानते थे, उचित नहीं मानते थे। एकदा किंचित भक्तेन कस्यचित महिमा एव वर्णिता। एक बार कदाचित एक भक्त ने कदाचित उनकी महिमा का वर्णन किया। अशौ महात्मा पादुकाभ्याम नदी तरत इति महतो विस्मयस्य विषय। देखा यह महात्मा जो है पादुकाभ्याम अपने चरण पादुका दोनों पादुकाओं से नदी तरत इति बहुत विस्मय विषय। वह अपने दोनों पादुका पर बैठकर चरण पादुका पर बैठकर नदी को तैर रहे थे। यह महतो विस्मय विषय, यह देखकर वह आश्चर्यचकित हुआ। यह आश्चर्यचकित विषय है। परमहंस रामकृष्ण मंदम असहत अवदत। परमहंस रामकृष्ण धीरे धीरे हंसने लगे और बोले, अस्या सिद्धे मूल्यम पड़द्वय मात्रम पड़द्वेन नवकाया शमाया न्योजना नदी तरत। हंसे और बोले, उसके सिद्धि मूल्यम उनके सिद्धि का मूल्य पड़द्वय मात्रम जो है पुराने समय का सिक्का, पुराने समय के दो सिक्के पड़द्वयेन नौकायाम समायोजन नदी तरत। अगर पुराने समय के दो सिक्कों को देकर कोई नाव से लोग जो है नदी को पार करते हैं, अनया सिद्धिया केवलम पड़द्वयस्य लाभो भवति। मेरे सिद्धि से केवल उन दो सिक्कों का ही लाभ होता है। किम प्रयोजनम एतादृशा सिद्धे प्रदर्शनेत,
क्या प्रयोजन है कि ऐसी सिद्धि का हम प्रदर्शन करें। राम कृष्णस्य विषय एवं विधा बहवा कथानकाः। राम कृष्ण के विषय में बहुत प्रकार से बहवा कथानका प्रसिद्ध, बहुत कथाएं प्रसिद्ध हैं। आजीवनम स आत्मचिंतनेन निरतः आसीत। आजीवन जो है वह आत्मचिंतन में रत रहे, रत्थे अस्मिन् विषये तस अनेके अनुभवा लोके प्रसिद्ध। इस विषय में इनके अनेक अनुभव इस संसार में प्रसिद्ध हैं। तस्य एव वचने सुतस्य अध्यात्मानुभावावर्णिता। और इनके वचन से यह लगता है कि ये इस अध्यात्म भावनाओं का वर्णन किया। देखिए वर्णित किया, चौली तो पूरे हो जाए। जले निमंजिता प्राणाः निष्कृतुम आकुला भवन्ति तथैव चेत ईश्वर दर्शनाय अपि समुक्ता भवन्तु जना तदा तस्य दर्शनम भवितुम अहर्ति। जले निमंजिता प्राणाः, जो है डूबे हुए प्राण सदैव, जो है बाहर निकाले हुए व्याकुल, कहा कि जो है जले निमंजिता, जल में डूबे हुए प्राणी निष्कृता आकुला भवन्ति, जैसे जल से निकाला हुआ व्यक्ति जो है वह व्याकुल हो जाता है, होता है, तथैव तब चेत ईश्वर दर्शनायपि समुक्ता, तब उसे ईश्वर दर्शन की भी उत्सुकता होती है। जना तदा तस्य दर्शनम भवितुम अहर्ति, लोगों को तब इस दर्शन होता है, ऐसा दर्शन होता है। किमपि साधनम साधितुम मत्कृते दीन त्रयाधिक काल नैव अपेक्षते। कभी भी साधन में, साधना करने में, साधितुम अपने शरीर को साधने में मत कृते दिन त्रयाधिकम, दिन में जो है वह तीन बार संध्या वंदन करते हैं, जो है तीन बार जो है संध्या वंदन करते हैं। कालन एव अपेक्षते, वह ईश्वर के तीन बार जो है संध्या वंदन करते हैं, तीन समय वह जो है उपे अपेक्षित है। नाहम वाच्छामि भौतिक सुख प्रदाम विद्याम अहम तुष्टाम विद्याम वाच्छामि यथा हृदय ज्ञानस्य उदयो भवति। नाहम वाच्छामि भौतिक सुख प्रदाम, वो कहते हैं हमें भौतिक सुख संपदा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए विद्याम, हमें विद्या चाहिए। अहम तू ताम विद्याम वाच्छामि, मैं और तुम जो है ताम विद्याम वाच्छामि, हम विद्या को चाहते हैं। यथा हृदय ज्ञानस्य उदय भवति, जिससे हमारे हृदय में ज्ञान का उदय होता है। अयम महापुरुष स्वकीयेन योगाभ्यास वले नैव एतवान महान संजात। यह महापुरुष स्वयं ही योग बल के अभ्यास से ऐसे महान व्यक्ति हुए। स ईदृशः विवेकी बुद्धिचित्तस्य आसीत्, वह विवेकी और सुचित्त वाले थे। यत्तस्य कृते मानव कृता वेदा निर्मूला अजायन्तः, यह यत् ऐसे उनके कृति मानव कृता, मानव के प्रति विभेदा निर्मूला जायंत, कोई भेदभाव नहीं था, कोई मूल्य नहीं था। स्वकीयेन आचरेण
एव तेन सर्वसाधितुं साधितम्। स्वयं ही उनके आचरण को सभी जो हैं साधें, अपने जीवन में उसका अनुसरण करें। विश्व विश्रुता स्वामी विवेकानंद अश्वी महाभागस्य शिष्य आसीत। विश्व विश्रुत स्वामी विवेकानंद इनके उनके महाभागस्य शिष्य आसीत, ऐसे महात्मा के शिष्य थे। तेन न केवलम भारतवर्षे अपितु पंचात्य देशापि व्याकरणस्य मानव धर्मस्य डिंडिम घोषा कृता। वे न केवल भारतवर्ष में ही अपितु पश्चात देश स्वापि और विदेश में भी व्यापकस्य मानव धर्म, व्यापक मानव धर्म का उद्घोष जो कर दिया, उच्च स्वर की उद्घोषणा की, उच्च घोष की उद्घोषणा की। तेन अन्य शिष्य जनानाम कल्याणार्थना स्थानीय स्थानीय रामकृष्ण सेवाश्रमा स्थापिता। उनके जो अनेक शिष्य जो हैं लोगों के कल्याण के लिए स्थान स्थान पर रामकृष्ण सेवा आश्रम स्थापित किए। ईश्वरानुभव दुखिताम जनानाम सेवाम पुष्यति इति रामकृष्णस्य महान संदेश। ईश्वरानुभव, ईश्वर के भाव से दुखितानाम जो दुखी लोग थे उनके सेवा के लिए पुष्यति, उनके सेवा के लिए पुष्ट होता है इति रामकृष्णस्य महान संदेश। यह रामकृष्ण परमहंस का महान संदेश जो है, रामकृष्ण परमहंस हमने आपको पढ़ाया। धन्यवाद। आज इतना ही।